चीज़ें, तो लिस्टिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिस्टिंग हटा देंगे। आईबीएन बाउंड्री से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक वार्ड है। बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है, हमें ब्लॉक बाउंड्री से मतलब। ब्लॉक बाउंड्री पे अपन ने राइट क्लिक किया था, फिर जूम टू लेयर किया था, है ना? तो तो ये अभी आ क्या गया है, ये था। लोड होंगे। हाँ ठीक है। लोड होने में टाइम लगा रही है। हो जाने दे। कोई ऐसी नहीं है ओडी एक भी सीट पे जिसने अभी काम चालू करा। खुल गया, खुल गया। जैसे ही आ गया वारंट, अब सबसे पहले क्या करते हैं, जाएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे फिर प्रॉपर्टीज का ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा कम कर दें, मतलब कितना करना ज़्यादा रहता है? 50% कर लो बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर अप्लाई और ओके। जो 50% पूरी गायब भी हो गई है इसकी, नहीं, यहाँ 50 नहीं, शॉर्ट करके देखते हैं, 60 पे अप्लाई। अच्छा लोड नहीं हो रही यार। तो उससे क्या है ना, अपने को पीछे का एरिया दिख जाता है, हाँ, दोनों थोड़ा, ये तो थोड़ा ब्लॉक याद आया, खींचने में इजी रहता ये थोड़ा याद आया। हाँ, है। अब इसको लोड होने दें, यहाँ से ना थोड़ा सा उनने बताया था। पोज कर लो, अभी लोड होगा। तो ये ओपेसिटी हो, ये 50% है, अब इससे भी कम कर सकते हो अपनी मर्जी, कितना भी रखो प्रॉपर्टीज कोई पे फिक्स जाके नहीं है। 50% कर लेते, मान लो 50% कर अप्लाई लिए, करेंगे, अप्लाई ओके। ठीक ओके कर देंगे, लोड होने दें। है। अब लोड होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ब्लॉक बनाने होते हैं, ब्लॉक क्लियर सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, राइट ओनली। क्लिक, हाँ मतलब क्लिक ऐसे बस करेंगे, ऐसे ऐसे नॉर्मल क्लिक कर देंगे, नॉर्मल नॉर्मल क्लिक ब्लॉक कर सेलेक्ट लिया। हो गया। हाँ, इसके बाद ये पेंसिल दिख रही है, पेंसिल पे गए, गए उसके बाद येलो ये कलर की, फिर एड ऐड पॉलीगन पॉलीगॉन फीचर। फीचर पे गए। अब मान लीजिए हम ब्लॉक बनाना है, ये वाला ब्लॉक ऐसे यहाँ से चालू करेंगे यहाँ हाँ, ये तक, ठीक है। अब ऐसे दिख रहा है हमें कि ये गली है, तो इस गली में यहाँ तक ले आ, यहाँ ले आ। अच्छा ठीक है। ये मैप इससे एक एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं, एरो किससे ऊपर नीचे? एरो की से, इससे ठीक करेंगे है तो इधर दिखेगा, इससे करेंगे इधर दिखेगा, इससे करेंगे इधर दिखेगा, नीचे हो ठीक जाएगा, है, एरो किससे? ठीक है। अभी और एस्केप दाबेंगे तो पूरा गायब हो जाता है, अच्छा और जैसे हमें ये बनाया हमने, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ ले आओ, ये करो। अब जैसे मान लो गलती से हमसे पॉइंट ये यहाँ हो गया, क्या? गलती से हमसे ये पॉइंट यहाँ हो गया, गलत हो गया, तो एक बैक स्पेस दाबेंगे तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो डिलीट होता है, हाँ, बैक स्पेस में। लास्ट अच्छा पॉइंट ठीक डिलीट है, होगा। फिर अब इसको डिलीट करना है, एक और बार बैक स्पेस दाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये ऐसे करें, ऐसे करा, अब हमें ऊपर जाना, यहाँ से हमारे यहाँ तक ले लेंगे इसको, और यहाँ लेके इसको ब्लॉक ख़त्म कर देंगे। ये अपन ने क्या दबा दिया? ये राइट क्लिक दबा दिया, राइट क्लिक दबा दिया। मतलब अभी लेफ्ट लेफ्ट से कर रहे थे सब कुछ, नहीं, क्लिक नॉर्मल पॉइंट लेने के लिए तो कहीं भी क्लिक कर दो। जैसे ही वो अपन का मिला तो अपने आप ये आ गया क्या? नहीं, राइट क्लिक दाबेंगे तो अपने आप मिल जाएगा, और ये जो है ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक पॉपअप है विंडो। अब इसमें हमें ठीक ब्लॉक नंबर देना होता है, अब हमारे जैसे ये ब्लॉक नंबर जो भी होगा, मान लेते हैं ये 75 वार्ड है तेरा, तो 7501 तेरा, 7501 तेरा पहला ब्लॉक नंबर एक तरह से ठीक होना है। चाहिए, 101 होगा तो तेरी आई बी होगी 7501। ये क्या है सर? अच्छा, ये जीरो वन। पैटर्न होता हाँ है एक, मैं समझाऊंगा इसको, वार्ड तेरा 75, रिकॉर्ड नंबर अपने को पोर्टल से मिलेगा, पोर्टल से मिल अपन जाएगा। ने क्लियर कर दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे, ये क्या दवा है? ये कुछ नहीं, ये एरो की से हमने देखा ये हमारा ब्लॉक। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्लॉक नंबर शो नहीं हो रहा, ब्लॉक नंबर शो करने के लिए हम यहाँ जाएंगे प्रॉपर्टीज़, ब्लॉक पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए, लेवल्स, लेबल्स। लेवल्स में जाके सिंगल लेवल्स,
सिंगल लेबल्स हैं, उसके बाद जाएंगे सिग्मा, ये वैल्यू सिग्मा पे गए, सिग्मा पे शुरू से दिखाते हैं, ब्लॉक ब्लॉक पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी पे क्लिक करा, फिर प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है। ये थोड़ा ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपने पास काम की चीज़ें हैं जो हैं, एक सिंबल हम कभी कभी लेवल यूज़ कर लेते हैं, हाँ। 3D भी हमारे काम नहीं आता, फील्ड्स का भी काम आती है हमारे, तो बाकी इनमें से कोई काम नहीं आता। लेवल्स में जाएंगे, लेवल्स में क्लिक किया वैसे सिंगल अपन, लेवल्स पे गए, सिंगल लेवल्स ऐसा पे गए। डायलॉग बॉक्स ऑप्शन, ठीक है। फिर इस फिर सिग्मा सिग्मा पे पे जाएंगे, गए। सिग्मा पे गए, उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे। ठीक है। कॉन्केट, कॉन्केट फिर यहाँ टाइप भी करना है यहाँ कुछ। करेंगे लिखेंगे कॉन्केट, हाँ। और ब्रैकेट है। अब जैसे इसका मुझे भी देखना पड़ेगा, वरना कंफर्म नहीं है। जैसे बी लिखा हमने, हाँ बी, अब हाँ इसके सामने हम ऐसे लिख रहे हैं डैश कॉमा डबल कोलन कैपिटल बी, इसको एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, ये क्या होता है, जैसे हमको ब्लॉक नंबर लिखने होते हैं, ब्लॉक नंबर, आईवी नंबर, वार्ड नंबर, तो ब्लॉक नंबर के नोटेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बी। हाँ बी हमने यूज़ करा, हाँ जो हमको दिखाना है वहाँ हाँ वो ठीक ये है। होगा, ये जो अच्छा। वैल्यू सिंगल कोट के अंदर जो वैल्यू आएगी ना वहाँ हाँ डिस्प्ले करेगी, एज ठीक है। इट इज़ जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो हाँ एज इट इज़ वहाँ डिस्प्ले करेगी। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या डबल कोट में लिखते हैं बी, हमने बी लिखा, इसकी जगह अगर हम बी लिख देंगे तो ये सही नहीं होगा, लेकिन हमें पता है हमने ब्लॉक नंबर को कैपिटल बी लिखा है, हाँ आई बी को कैपिटल आई बी लिखा है, हाँ और वार्ड को कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, ठीक रिकॉर्ड है। नंबर को कैपिटल आर ई सी ओ आर डी एन ओ लिखा है, हाँ लिखा है हमने। हाँ अब हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराएंगे, जैसे सबसे पहले हम उसका डिस्प्ले करा देंगे ब्लॉक, ब्लॉक को कैपिटल ऐसे लिख दिया बी। हमने बी, हमने नोटेशन दिया उसको बी से, कैपिटल बी से, ठीक है। ये हमने लिख दिया कैपिटल बी, ठीक ठीक है। है कैपिटल बी। कैपिटल बी। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम, थोड़ा लेकिन स्पेस। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है। इसमें कभी ये चीज़ नहीं करनी। ये लिख दिया पहला, अब दूसरा लिखेंगे ब्लॉक के बाद हम लिखेंगे आई बी सिंगल अच्छा। कोटेशन में, हाँ सिंगल, फिर उसके बाद लिख देंगे आई बी, फिर डैश। आई बी लिखा हमने। लेकिन अब एक चीज़ क्या होगी, यहाँ पे देखना, जैसे हम जो ये हाँ चीज़ लिख रहे हैं ना इसका आउटपुट आता जा रहा है यहाँ हाँ पे, लेकिन अभी क्या होना, जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये 7501 के पास आई बी एग्जैक्ट आ जाएगा साइड में, तो हम इसको हाँ ऐसे कर देंगे, एक स्पेस दे देंगे इसके बीच में, अच्छा। तो हमारा ये इसके बाद वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसको हम ठीक है। एक तरीका हो रहा है, जैसे मतलब यूज़ नहीं करते हैं, करना चाहते हो मतलब इसके वो नॉलेज के लिए, अगर हम यहाँ कोटेशन लगा देंगे तो हाँ 7501 के बाद कोमा दिख जाएगा अपने को, यानी कि ये वैल्यू अलग है, हाँ ये क्या आज लगा दिया? कोमा लगा दिया मैंने, कॉमा लगा दिया ना। हमने जो ये वैल्यू लिखी ना, हम क्या स्पेस के बाद कॉमा लगा सिंगल दिया। कोट के अंदर जो भी लिखते हैं ना वो एज इट इज़ डिस्प्ले होता है, ठीक है। मैंने क्या किया सिंगल कोट में ये वी की वैल्यू आएगी ब्लॉक नंबर, उसके बाद मैंने जस्ट कोमा लगा दिया, तो ये कोमा इसके जस्ट बाद आ गया, फिर उसके बाद मैंने एक स्पेस दे रखा है, ये कोमा के बाद एक स्पेस है, उसके हाँ बाद आई बी लिखा, तो ये स्पेस आई बी आ गया। ठीक है। अब आई बी के साथ मैं लिख दूंगा ये ऐसे, एक हाइफन लगा दिया मैंने, डैश है ना। ठीक है। अब कोमा लगाना है वापस, हर जो हाँ कोटेशन लिखेंगे सिंगल सिंगल कोट में या डबल कोट में उसके बाद कोमा लगाना ज़रूरी है, वरना एरर देगा, ठीक है। अगर हमने कोमा लगा दिया तो फिर उसके बाद वैल्यू लिखना भी ज़रूरी फिर है। अब डबल कोट अब डबल करेगा कोट में हम लिख देंगे आई वी। कैपिटल में आई बी, हमने आई बी लिया था, ठीक है। ये आई बी तो आ गया, पर हाँ अब जैसे कि ये हो गया, अब हमने जो लिखा है उसका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है। सही ठीक आ है। रहा है। ब्लॉक का हमारा आई बी, आई बी हो गया, अब वार्ड। अब नहीं पहले कोमा लगेगा, हाँ कॉमो फिर सिंगल कोट, सिंगल कोट सिंगल कोट में वार्ड को हम डब्ल्यू से डिनोट डब्ल्यू करेंगे, फिर डैश। लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट भी हाँ करना है, स्पेस देना है, स्पेस कॉमा दे लगा कॉमा, दिया, स्पेस दे दिया, कॉमा लगा के स्पेस ज़रूरी नहीं है कॉमा लगा, तो मैं एक वो डिफरेंशिएट हो डिफ्रेंशिएट के लिए जाएगा। बता रहा हाँ हूँ, ये कर दिया, फिर वापस लगाएंगे कॉमा, डबल कोट, डब्ल्यू को हमने जब वहाँ पे फीचर्स लिखे थे तो क्या लिखा था, डब्ल्यू ही लिखा था। कैपिटल डब्ल्यू लिखा हाँ था, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू हमारा वार्ड है, आ हाँ तो गया। आ गया वार्ड लेकिन ये पे। क्या हो रहा है, अपन ने इस बार क्या हुआ, हाइपन नहीं लगाया, तो वार्ड के जस्ट बाद 75 आ रहा है, हाँ एक वो डैश लगा पे। दिया तो वार्ड 75, डिफरेंशिएट हो गया। ठीक अब है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम तो हो गया सब। सिंगल कोट में,
रिकॉर्ड नंबर को मान लो हम आर से, मतलब जो अपने को दिया हुआ है टाइप, उसमें ऐसे लिखना उसको। रिकॉर्ड नैनो है ना, फिर ठीक है। डैश। हाँ लेकिन अभी ये देखना, रिकॉर्ड एनो लिख दिया था, जब सेवेंटी हाँ फाइव से जस्ट तो रखा हुआ है, कॉमा करके कोमा स्पेस, करके स्पेस दे दिया, ठीक है ये डिफरेंशिएट हो गया। समझ गया। हाँ फिर वापस कोमा लगाएंगे, डबल कोट, कैपिटल आर ई, रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई। ये एक्सप्रेशन हमने ओके कर दिया, अप्लाई कर देंगे तो हमारे वार्ड में ये देखा ब्लॉक अच्छा। की वैल्यू आ गई 75101, आई वी की 7501, ये हमारे हाँ इसमें पूरा शो होने लग गया। अप्लाई ओके कर दिया तो है ना। हाँ अब इस चीज़ को हमें मान लो इसमें कुछ चेंज करने हैं, तो हम जाएंगे एट्रीब्यूट टेबल, अच्छा एट्रीब्यूट टेबल पे। हाँ ये ना फीचर बन नहीं नहीं सॉरी बिल्कुल गलत बता रहा हूँ, टेबल पे, एट्रीब्यूट टेबल ही होता है, ठीक है। ये हमारे एट्रीब्यूट टेबल है। अच्छा वो जब अपन ब्लॉक की नंबरिंग चेंज करते हैं तो वो हाँ तो यहीं से इसी में करेंगे चेंज ना, करना है। है ना। अब एट्रीब्यूट टेबल मान लिया इसका रिकॉर्ड नंबर आया 6345, ये अपन हाँ ने इसमें डाल दिया, हाँ ओके करेंगे, हाँ इसको हटाएंगे तो हमारा रिकॉर्ड नंबर यहाँ दिखेगा। ये कैसे किया एक बार बता। इसमें गए, हाँ हमें पता है हमने पोर्टल से वो देखा रिकॉर्ड नंबर जैसे 6253 ऐसे कुछ हाँ है, ये जो वैल्यू अपन लिखेंगे बस ओके करने पे आ इसको जाएगा ऐसे करके फिर। क्लोज, इसको ऐसे करना एक बार क्लोज हाँ कर देंगे तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा। अगर मान लें इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाओ इसको हटा दो, हटाएगा ऐसे बैक स्पेस से ना। हटाया और ये हो गया, क्लोज ठीक है कर दो, ये तेरा ठीक ब्लॉक है। बन गया। हाँ ये बन गया। अब चीज़ आती है काम की अपनी, स्नैपिंग, स्नैपिंग कहाँ से आएगा, प्रोजेक्ट पे जाके, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट जाके स्नैपिंग ऑप्शंस में। अब इसमें दो तरह की स्नैपिंग स्नैपिंग होती है, ऑप्शंस में जाके, ठीक है। इसका और मनीष देखना है इसका,